नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में चल रही उठापटक की। बीते दिन कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़कर सपा का दामन थाम लिया, इस बात ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन राजनीति में ऐसी उठापटक चलती रहती है। शुरुआत में खबरें थी कि सपा की ओर से डिंपल यादव राज्यसभा जा सकती है, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने राज्यसभा का टिकट दिया है। जयंत चौधरी सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शुरुआत में खबरें थी कि सपा की ओर से डिंपल यादव राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन अब राष्ट्र लोक दल के राष्ट्र अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने राज्यसभा का टिकट दिया है। जयंत चौधरी सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। सपा ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ट्वीट करके बताया कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्र लोक दल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इस पहले सपा ने मुस्लिम चेहरा जावेद अली और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिब्बल ने निर्दलीय पर्चा भरा है, उन्हें सपा समर्थन कर रही है। कल तक ये लगभग तय था कि डिंपल यादव का राज्यसभा जाना तय है और वो गुरुवार को अपना नामांकन करेंगी, लेकिन कपिल सिब्बल के निर्दलीय प्रत्याशी बनने के बाद हालत बदल गई और चर्चा आरएलडी के खेमे में शुरू हो गई कि जयंत चौधरी को एक बार फिर धोखा मिला है। यूपी के सियासी गलियारों में कई अटकलें शुरू हो गए। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए एक बड़ा फैसला लिया और जयंत चौधरी को गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। इससे साफ हो गया है कि अब डिंपल यादव राज्यसभा नहीं जा रही हैं। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, जिन्हें सपा समर्थन दे रही है। 2016 में सिब्बल को तत्कालीन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यूपी से राज्यसभा के लिए चुना गया था। कपिल सिब्बल को लेकर यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश इस मौके को आजम खां की उपेक्षा और रिहा होने के बाद के हाव भाव के बीच भुनाना चाहते हैं। आजम खां ने जेल से बाहर आने के बाद कहा था कि मेरे विनाश में मेरे चाहने वालों का हाथ है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 विधायक हैं, जिनमें से 2 सीटें रिक्त हैं। इस तरह से 401 विधायक फिलहाल हैं। ऐसे में एक सीट के लिए 36 विधायकों का वोट चाहिए। बीजेपी गठबंधन के पास 273 विधायक हैं, जिसके लिहाज से 60 सीटें जीतने में कोई परेशानी नहीं होगी। सपा के पास 125 विधायक हैं, उसे 3 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सीट के लिए बीजेपी और सपा में सियासी घमासान मचेगा और एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी की कावियात भी तेज होगी। सपा किस गठजोड़ में लगी है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये जाहिर है कि सपा 2024 की बिसात बिछाने में लगी है, 2024 के लिए खुद को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि सपा का कहना है कि उसका मुकाबला बीजेपी के साथ है और बीजेपी से पार पाना आसान काम नहीं है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।